हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विदेश यात्रा चैनल। मैं हूं मयूरी। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं कनाडा की फेमस कॉलेज सेनेका के बारे में। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको स्क्रीन पे दिखाती हूं सेनेका की वेबसाइट पे पूरा कॉलेजेस, उसके जितने भी कैंपस है और जितने भी कोर्सेज है। तो चलिए, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। ये वेबसाइट है पूरी सेनेका की, जिसमें यहाँ पे लोग कौन से प्रोग्राम्स ऑफर करते वो सब दिया है। फिर सेनेका क्यों चूज़ करना है, मतलब अगर आप ये कॉलेज सिलेक्ट करते हो तो एक बार यहाँ पे जो भी ऑप्शंस दिए हैं, ये रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस है, स्टूडेंट सर्विस एंड सपोर्ट है, रिसर्च रिगार्डिंग, एंटरप्रेन्योरशिप रिगार्डिंग, तो ये कोर्सेस और डिटेलिंग्स यहाँ पे दी गई हुई है। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि आप कौन से कोर्सेस और रीज़न बिहाइंड टू चूज सेनेका, तो ये ऑप्शन आपके लिए यहाँ पे हेल्पफुल होगा। फिर अप्लाई यहाँ पे किस तरह से कर सकते हो, लोकल कैनेडियन भी कर सकते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट भी कर सकते हैं, पार्ट टाइम स्टडी एप्लीकेंट भी कर सकते हैं, और ये जो दोनों ऑप्शन है यहाँ पे भी आप एक बार देख सकते हो। तो ये था वेबसाइट का। फिर यहाँ पे प्रोग्राम्स, इन लोगों के पास 300+ प्रोग्राम है। देन ये इंटरनेशनल स्टूडेंट कौन कौन सी कंट्री से आ रहे हैं, एवरी ईयर कितने ग्रेजुएट हो रहे हैं, ये डिटेल आपको यहाँ से एक बार बेसिक देख लो तो आपको पता चले कि कॉलेज में आप सिलेक्ट करते हो फर्दर स्टडी के लिए, तो आपके पास एक आइडिया होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपको सेनेका को एक्सप्लोर करने के लिए फाइंड योर प्रोग्राम, आपको प्रोग्राम देखना है कौन से प्रोग्राम में आप एनरोल होना चाहते हो। तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे चॉइसेस है, लाइक एविएशन इंडस्ट्री में अगर आपका फ्यूचर बनाना है तो यहाँ पे ये एविएशन का एजुकेशन के कोर्सेज है। फिर बिजनेस मैनेजमेंट है, क्रिएटिव आर्ट्स, एनिमेशन एंड डिज़ाइन रिलेटेड है, एजुकेशन कम्युनिटी एंड सोशल सर्विसेज रिगार्डिंग कोर्सेज है, देन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, फैशन एंड एस्थेटिक, उसके बाद वेलनेस, हेल्थ, हॉस्पिटलिटी, IT, देन लॉ, लाइक आर्ट्स, मीडिया कम्युनिकेशन, साइंस और समर इंस्टीट्यूट। तो इतने सारे कोर्सेज इन लोगों के पास अवेलेबल है। तो यहाँ से आपको कोर्सेज में भी काफ़ी आइडिया मिल जाएगा कि आपको कौन सा कोर्स लेना है। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं, असेसमेंट, करियर असेसमेंट आपको लेने हैं। नाउ नेक्स्ट अपना है कैंपस लोकेशन, और उनके जो ओपन हाउसेज है वो टेक अ वर्चुअल टूर एंड अप्लाई नाउ, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले हम जा रहे हैं कैंपस एंड लोकेशन के ऊपर। तो यहाँ पे सेनेका के कैंपस है, लाइक किंग कैंपस, मरखाम कैंपस, न्यूहन कैंपस, फिर पीटरबर्ग, सेनेका इंटरनेशनल एकेडमी है, यॉर्क कैंपस है। तो ये सारे कैंपस ही से यहाँ से आप जो जो लोकेशन, नियर बाई लोकेशन पर आपको जाना है तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो कौन से कैंपस में जाना है आपको। उसके बाद हम वर्चुअल टूर करते हैं, तो कैंपस आपको पता चल गया तो आप कौन सी सिटी या कौन सी लोकेशन पे जा रहे हो कनाडा में, और वहाँ पे कौन सी सेनेका है, उनका कौन सा कैंपस है, वो आप देख सकते हो। नाउ हम वर्चुअल टूर करते हैं यहाँ पे, तो एक थोड़ा ग्लैंस मिल जाएगा हमें। ये किंग का कैंपस है, ये न्यूहाम कैंपस है, ये पीटरबर्ग है, सेनेका इंटरनेशनल एकेडमी है एंड यॉर्क कैंपस है। तो सबसे पहले हम किंग कैंपस पे जाते हैं तो आपको भी थोड़ा आइडिया आ जाए कि आप ऐसे वर्चुअल टूर कर सकते हो। हम सभी तो कवर नहीं करेंगे, लेकिन पहली हम कवर कर लेते हैं कि इसके अंदर कैंपस का इन लोगों ने किस तरह से पूरा व्यू बताया है। ऑडियो तो हमें नहीं चाहिए, स्किप कर देते सबको, और फिर हम पूरी कॉलेज का कैंपस को, ये किंग कैंपस है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। एक बार पूरी कॉलेज हम घूमेंगे। ये पूरा का पूरा कैंपस आ गया यहाँ पे, एरियल व्यू है किस तरह से पूरा कैंपस है, इसको इस तरह से आप देख सकते हो। ये है का कॉलेज का एरिया, ये मैग्ना हॉल है। उसके बाद हम नेक्स्ट जाते हैं। उसके साथ यहाँ पे एक ऑडियो टूर भी दी हुई है आपको, तो पूरा यहाँ से पता चलेगा किस तरह से, कहाँ से, कौन सा कैंपस में किस तरह से जाओगे आप, पूरी डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ये यहाँ पे अलग अलग कैंपस में सीन्स लिए हुए हैं, जैसे कि हम यहाँ देखते हैं सिमुलेशन लैब, तो कॉलेज में ये पूरी सिमुलेशन लैब है, तो आप
इस तरह से देख सकते हो पूरा। उसके बाद अगेन मैनो पे आके साइंस लैब है, बहुत सारी लैब्स भी यहाँ पे है, ये वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हो पूरा लोकेशन वाइज और क्या क्या एमिनिटीज़ कॉलेज में है और कौन सी सर्विसेज कॉलेज प्रोवाइड करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का है, और यहाँ पे जिम वगैरह भी है और स्टूडियो टाइप भी बना के रखा है, तो बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे है, तो एक बार ये आप ज़रूर देख लेना वेबसाइट पे जाके। अब हम वापस मेन पेज पे आ जाते हैं सेनेका की, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वेबसाइट पे। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें भी मिल जाती है, यानी सबसे अच्छा है कि अगर आप जिस कॉलेज में जा रहे हो कैंपस भी आप यहाँ पे एक बार पूरा 360 व्यू देख के जा सकते हो, तो इससे क्या है कि आप पूरा का पूरा वहाँ जाके आपको ऐसा ना लगे कि नहीं आपको पता ही नहीं है, तो ऐसे पूरा ग्लैंस देख के जाओगे तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा वहाँ जाने में, एडजस्ट होने में। और यहाँ पे सारे कोर्सेज है, कोर्सेज के ऊपर क्लिक करके अंदर सब टॉपिक कौन से हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएगी, और रेस्ट ऑफ डिटेल आपको पढ़नी है तो यहाँ से देख सकते हो, और यहाँ पे एप्लीकेशन भी है, आप एप्लीकेशन भी डाउनलोड करके देख सकते हो। सो फ्रेंड्स अभी तक हमने देखा पूरी सेनेका की वेबसाइट, जहाँ पे मैंने आपको पूरी कॉलेज की टूर कराई एज वेल एज आपको सारे कोर्सेज बताए थे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं कॉलेज के कैंपस के बारे में। तो कैंपस आपने देख लिया, लेकिन कैंपस के अंदर बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट्स होते हैं, तो स्पेशली इंडियन स्टूडेंट को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, काफ़ी सारे फेस्टिवल वहाँ पे भी सेलिब्रेट होते हैं, तो आपको अपने देश जैसी फीलिंग आएगी सेनेका में। वन मोर थिंग, सेनेका में सबसे पहले अगर आप जॉब पर्पज़ के लिए वहाँ जाते हो तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा, बिकॉज ऑफ ये कॉलेज 5 डे की कॉलेज है, तो आप ऐसा सोच रहे हो कि 2 दिन की कॉलेज है वहाँ, उसके बाद आपके रेस्ट ऑफ टाइम में आप जॉब करेंगे, तो ये आपके लिए रेलेवेंट कॉलेज नहीं है, बिकॉज ऑफ एवरीडे की कॉलेज है। सेकेंड, हम बात करते हैं कॉलेज में एकोमोडेशन के, रहने के लिए। तो ये कॉलेज में आपको इनसाइड कैंपस और आउटसाइड दोनों जगह पे रहने के लिए मिल जाएगा। अगर आप इनसाइड कैंपस के लिए सोच रहे हो तो आपको वहाँ पे $300 Canadian से लेके $500 Canadian पर मंथ के हिसाब से आपको मिल जाएगी रहने के लिए जगह, और उसके बाद उसके अंदर आपको अगर कुछ और मॉडर्न एमिनिटीज चाहिए तो उसका फिर आपके हिसाब से जो भी कॉस्ट लगता है वो आपको देना पड़ेगा। और दूसरा, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि आपको अकेले रहना है, किसी के साथ शेयरिंग में नहीं रहना है, तो फिर आपको उस तरह से पे देने पड़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉलेज के अंदर जॉब के बारे में। तो बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होता है कि कॉलेज के इनसाइड कैंपस में भी बहुत सारी जॉब ओपनिंग होती है, बट उसके लिए आपको हर दिन कॉलेज के जो भी नोटिस बोर्ड होते हैं उसके ऊपर देखना पड़ता है, क्योंकि हर एक पोजीशंस उसके काफ़ी ग्रुप्स होते हैं, वेबसाइट के ऊपर न्यूज़लेटर्स भी होते हैं, तो हर जगह पे आपको अपडेट रहना पड़ेगा ताकि इनसाइड जो भी कॉलेज के अंदर वैकेंसीज आती है पार्ट टाइम जॉब की कैंपस में वो आपको मिल जाएगी। उसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं फैसिलिटीज लाइक स्पोर्ट रिलेटेड एक्टिविटी, तो वहाँ पे आपको काफ़ी एक्टिविटीज़ करने को मिलेगी। फुटबॉल का मैदान है वहाँ पे, आप अच्छा खेल सकते हो, क्रिकेट भी खेल सकते हो, और आपको और भी एक्टिविटीज़ करनी है तो सेनेका में बहुत सारी स्पोर्ट एक्टिविटीज़ के लिए आपको कैंपस बड़ा मिल जाएगा। तो ये था पूरी सेनेका के बारे में, जो आपको थोड़ी बहुत मैंने ब्रीफ डिटेल दे दी कि आप कौन सा कैंपस सिलेक्ट करते हो उसके हिसाब से आपको कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मिलती है, वो आपको एक बार डिटेल में देखना पड़ेगा ताकि जब भी आप वहाँ जाओ तो आपको ऐसा ना लगे कि भाई आपको सेट नहीं हो रहा है, बिकॉज ऑफ यहाँ से आप पूरी डिटेल्स देख के जा रहे हो। तो आज के वीडियो में इतना ही, मैं हूँ मयूरी, जय हिंद।